दोस्तों ये वीडियो आपको लास्ट तक देखना होगा ताकि ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट और बेल आइकन और एनी सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूले और बेल आइकन भी दबाना बेल। हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आज मैं अपना सारा चीज़ बताऊंगा कि मैं एक दिन में क्या करता हूं। तो लेट्स स्टार्ट ब्रो। ये मेरा पीछे गेमिंग सेटअप है। ये मेरा सेटअप है। मैं यहीं से अपना गेम खेलता हूं, स्ट्रीम करता हूं, सारी चीज़ मैं यहीं करता हूं और यही मेरा पूरा दिनचर्या है। ये मेरा बैकग्राउंड शो है जो मैं जब पबजी खेल रहा था तभी मैंने लगाया था। तो मैंने सारी चीज़ जो भी किया हूँ तो पबजी के लिए ही मैंने किया था सारा चीज़। तो वो पबजी बैन भी हो चुका है तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो दूसरा गेम ट्राई करेंगे, मतलब जैसे एग्जांपल में पीसी गेम खेलेंगे। पीएस फोर का सेटअप बैठाना अभी बाकी है। क्या हाल है लोंडो? यही है मेरा भाई। डे नाइट अभी तो मैं एक ही रूम में रहता हूँ क्योंकि सारी चीज़ करना पड़ता तो कोई दिक्कत है ही नहीं। मैं सारी चीज़ यहीं बैठ के आराम से बैठे रहता हूँ, एक कमरा में रहता हूँ और यहीं से सारी चीज़ हम करते हैं। एक कमरा मतलब 10-12 घंटे इस रूम में बिताते हैं क्योंकि स्ट्रीमिंग का टाइमिंग चेंज किए हैं। सुबह जो है 10 से 12 आपको मिल जाएगा स्ट्रीमिंग, जो फुल मस्ती होता है ना स्ट्रीमिंग का, फुल मस्ती वो वाला मिल जाएगा। और रात में जो है हम वो सोच रहे हैं 9 से 12 रात में भी मिलेगा और आपको ब्लॉग कंटिन्यू मिलेगा। अगर आप लोगों को कुछ और चाहिए तो बताइए, मैं ट्राई करूँगा आपको दे मतलब प्रेजेंट करने का। गेम तो कॉल ऑफ ड्यूटी अभी चल रहा है, ऐसे मस्ती में लूडो खेल रहे हैं। अभी पीसी गेम का सेटअप नहीं बना है, पीसी गेम प्लस PS4 का सेटअप नहीं बना है, उस पर बात चल रहा है, अभी डील होना बाकी है। और एक और खुशखबरी कि एक कंपनी से टाइप हुआ है, कैप्टन आनंद से, वो मतलब राइटर हैं पोएम का, वो जैसे मीम्स होता है उस टाइप का शूट होना आना बाकी है। वो सारी चीज़ टाइप हो चुका है, 1 ईयर के लिए टाइप हुआ है मतलब सोवेल कंपनी से। तो वो 1 ईयर तक अपना कंटेंट देंगे, उससे जो बात हुआ है वो देखते हैं भाई, 50-50 पे बात हुआ सारा चीज़। वो कंटेंट देंगे, कंटेंट आप लोग को ओपी लगेगा, सारा चीज़ अच्छा है। वो पोएम लिखते हैं, वो अच्छे हैं मतलब राइटर भी, कैप्टन आनंद हैं। वो जल्दी उसका शूट 16 तारीख से स्टार्ट है तो वो शूट का भी मैं वीडियो ब्लॉग बना के मैं डालूँगा। वो सारा चीज़ वो हो जाएगा ना, वो सारा चीज़ वो आएगा तो वो सब सारा सबको अच्छा लगेगा, ये देखने में भी सबको अच्छा लगेगा कि वो जो है मतलब रियल लाइफ पे है। वो जो आएगा ना मतलब 70-80% के साथ वो हो चुका है, ऐसा वो है, मैंने वो पढ़ा था। क्योंकि कल ही ये डील साइन हो चुका है तो ये देखते हैं कि ओपी लगेगा। हमको तो बहुत अच्छा लगा था तो मैंने खोजा क्योंकि मेरे पास कंटेंट का थोड़ा सा अभाव है, कंटेंट का अभाव बहुत है। तो मेरे पास 3 या 4 कंटेंट है, मैं वो प्रेजेंट करता हूँ, मैं आप लोग को बताता हूँ। मेरे पास एक है मोबाइल रिव्यू, वो भी बात चल रहा है कि एक दुकानदार से बात चल रहा है कि वो अपना मोबाइल दे, एक मैं वहाँ का वीडियो शूट करूँगा और उस दुकान को प्रमोट करूँगा फ्री में। आप सोच सकते हो कि मैं उस कोई भी न्यू मोबाइल लॉन्च होती है तो उसका मैं जाऊँगा उस दुकान पे, उस दुकान से एक सेट लूँगा वही, उसका मैं वीडियो बनाऊँगा और उस दुकान का मैं मतलब सजेस्ट मतलब एक तरह से बोल सकते हैं प्रचार करूँगा कि आप लोग यहाँ से ले सकते हैं। तो ये टाइप ये भी बात चल रहा है, ये भी देखिए 10-15 दिन में डील हो जाएगा ये सारा चीज़। मेरे पास दूसरा कंटेंट था ब्लॉग का, मैंने जो आज मैंने स्टार्ट कर दिया है। अगर आप लोग को कुछ और चाहिए ब्लॉग में तो बताइए, कुछ अगर आपको लगता है कि इम्प्रूव कर सकते हैं क्योंकि मैं बिगनर हूँ, अभी ब्लॉग में बिगनर हूँ, गेम में सारी चीज़ गेम का स्ट्रीम का क्वालिटी सारी चीज़ तो मैं धीरे धीरे सीख रहा हूँ और सारी चीज़ हो भी रहा है, इम्प्रूव भी हो रहा है।
ब्लॉग में थोड़ा सा इम्प्रूव की ज़रूरत है, तो मैं आप लोगों से सजेशन मांगता हूँ कि आप लोग सजेस्ट करें कि क्या इम्प्रूव कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। दूसरा मेरे पास ब्लॉग है, और तीसरा है मेरे पास स्टीम गेमिंग का मैं स्टीम करूँगा, फुल्ली स्टीम करने वाले हैं आप। तो सारा चीज़ उसमें आ जाता है, मोबाइल गेम से लेके PS4 आ जाता है, प्लस PC गेम आ जाता है, सारा गेम आ जाता है, मैं सारा गेम ट्राई करूँगा। ये तीसरा कंटेंट हो गया। मेरे पास चौथा कंटेंट है गेम प्ले डालने का, गेम प्ले मोन्टाज, ये नॉर्मल जो छोटा छोटा जो क्लिप होता है वो छोटा छोटा क्लिप डालने का, वो मैं डालूँगा। वो मैं पहले डालता था, जब मेरे पास सेटअप नहीं था, मतलब स्ट्रीमिंग का सेटअप नहीं था, प्लस नेट का अभाव था, तो मैं पहले सारा चीज़ डालता था। तो अब अपन ऐसा नहीं करेंगे, अब वो मैं करूँगा। मैं छोटा छोटा जो क्लिप है मोन्टाज का है, मोन्टाज टाइम में जैसे कॉल ऑफ ड्यूटी आया है, तो कॉल ऑफ ड्यूटी का मैं डालूँगा। कॉल ऑफ ड्यूटी का जो जितना जो मैं प्ले करता हूँ, जो हमको बेस्ट क्लिप लगता है, जिसमें बेस्ट किल है, सारा चीज़ जो होता है वो भी मैं इसमें डालूँगा, मैं सारा चीज़ मैं करूँगा। ये मेरा तीसरा या चौथा कंटेंट हो गया। मेरे पास एक और कंटेंट है रोस्ट का। मैं एक वीडियो पे रोस्ट भी किया हूँ, यूट्यूब जिंदगी भर से टिकटॉक जिंदगी, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिए, और उसमें बताए कि उसमें क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। वो मेरा फर्स्ट रोस्ट वाला वीडियो था मेरे पास। मैं धीरे धीरे सीख रहा हूँ, मैं धीरे धीरे मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि मैं सीख रहा हूँ। मेरा जॉब भी अभी हो गया, छूट गया है जॉब, तो कुछ कर भी नहीं सकते हैं, तो दूसरी जगह अप्लाई के बारे में आप सोच रहे हैं कि दूसरी जगह मैं कहाँ जाऊँ, क्योंकि मैं सर्विस प्रोवाइडर हूँ। पहले एप्सन में अभी सर्विस दे रहे थे तो चला गया, तो अभी तो मैं ये सोचा कि फुल्ली टाइम अभी यूट्यूब पे दे, जब तक देखते हैं इस पर क्या हो सकता है। तो मैं भी एक बिगनर ही हूँ। अगर आप लोगों ने रोस्ट वाला वीडियो देखा है तो यूट्यूब जिंदगी भर से टिकटॉक जिंदगी, तो आप लोग जाएँ देखे और लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें, और उसमें बताएं कि आपको कौन सा पार्ट्स अच्छा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे पास रोस्ट का भी है, मैं सोच रहा हूँ कि मैं रोस्ट भी करूँगा। तो यही है बंदा, मतलब यही जिंदगी, अभी एक ही रूम में खाना पीना सारा चीज़ रहना, इसी रूम में रहते हैं, ये मेरा है सोवेल, जिसको मैंने नाम दिया है, एक मैंने इसको नाम दिया हुआ है, सोवेल है। मगर जानते हैं कि हम सोबेल हैं, मगर सोबेल ये है जिसको मतलब देख के आप पहचान सकते हैं, ये ब्रांड है ये सोबेल। मैंने सारी चीज़ धीरे धीरे इम्प्रूव किया है। अगर कोई भी न्यू है तो अगर करना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा कि इतना मतलब ना करें बैनर लगाना, नॉर्मल अगर गेमर है तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं बोलो। भाई कैरी मिनाटी का बहुत बड़ा फैन है ये। हां, कैरी मिनाटी का बहुत बड़ा फैन है। मैं तो सलमान भाई का बहुत बड़ा फैन हूं, और मैं भी सलमान भाई का बहुत बड़ा हीरोइन हूं। जब भी मैं फ्री फायर खेलता हूं ना, लैम्बोर्गिनी ऐसे चलाता हूं 500 की स्पीड में कि सलमान भाई की जैसा, मतलब सलमान भाई का फैन हो जाता हूं मैं। भाई कैरी मिनाटी का वो वाला गाना गा दो यालगा। ये कहानी है जो सबको सुनानी है, चलने वाले की तो रोक की कहानी है। ये कहानी है जो सबको सुनानी है, चलने वालों की तो रूप भी जलानी है। ये कहानी है जो सबको सुनानी है, एक भूख भी तो मैंने मिटानी है। इनको क्या पता मैंने करी कितनी मेहनत, सारी बातों से था मैं पूरा सहमत, सारी जिंदगी इन्होंने बनाया। इनको क्या पता मैंने करी कितनी मेहनत, सारी बातों से था मैं पूरा सहमत, सारी जिंदगी इन्होंने मुझको उड़ाया। इनको दिया जो मैंने था, जो मैंने कमाया, रोते रोते भी इनका धंधा मैंने चलाया, फिर भी इन्होंने सारा धंधा मेरे खाया। ये सारी क्यों आया, इनका एक अलग साया, क्योंकि वीडियो के पॉकेट में देश का दिल लुकाया। इन्हें लगता है मैं फकीर हूँ, अगर यह होता है तो मैं इनकी यकीर हूँ। जिन हाथों में है मुझको कमाया, हाथों की तो देख भी तो मैं संजीर हूँ। इंग्लिश में हाथी देने वाले लगते कूल, हिंदी में देने वाले लगते हैं कूल।
पूल से बड़ा होके मेरा पूल तब हो गया था, फिर से तो कम में हो बड़ा सूल। ये कहानी है जो सबको सुनानी है, चलने को रूप भी चलानी है। ये कहानी है जो सबको सुनानी है, उनकी भूख भी तो मैं नहीं मिटानी है। ये कहानी है जो सबको सुनानी है, चलने वालों की तो रूप भी चलानी है, चलने वालों की तो रूप भी चलानी है, उनकी भूख भी तो मैं नहीं। आप भी मेरे जैसा करिए ना। गाइस बढ़िया लगा वीडियो, बढ़िया लगा गाना, फिर मैं आगे याद कर दूंगा। दोस्तों मैं भी ये वीडियो को याद कर लूंगा, मेरा फनी तो सब ठीक है। गाइस अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर कमेंट कमेंट में आपको एक वेरी गुड लिखना, वेरी गुड ब्लॉग। और एक भाई अगर यादगार वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो और यादगार वाले जो गाना गाए उनको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत